तो गाइस आपको हम दिखा रहे हैं पेड़ पे लटका 1.5 लाख रुपए। ये रहा ड्रोन का रिमोट, और कहाँ गया भाई ड्रोन, वो रहा ड्रोन। बिहार बॉर्डर के पास और अभी पी रहे हैं चाय। ये रेटिंग, चलिए निकलते हैं। बताइए सर, कहाँ तक पहुँचे आप? पहुँचने वाले 63 किलोमीटर है यात्रा। बड़ी कंपनी हो रही है, कलकत्ता पहुँचने वाले हैं क्या? दोस्तों के साथ रही है और अपने मित्रों के साथ रही है। अच्छा, मित्र है लोग। फाइनली रहे ये त्रिवेणी नदी के पास और हम बिहार में एंटर कर चुके हैं। और ये रही हमारी टीम। हाय गाइस, हेलो। हाय, हेलो राहुल भैया। और एक बंदा सो रहा है। अभी कितना दूर बाकी है जाने में? ज्यादा नहीं, बस 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लगभग 20-30 किलोमीटर और बचा है मोतिहारी पहुंचने के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस जरा अभी 40 किलोमीटर और है जहां पे हम लोग को शूट करने जाना है आज। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। गाइस अभी हम हैं मोतिहारी में, पहुंच गए हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, अभी कुछ मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद चलते हैं। और वहाँ पे गाड़ी और यहाँ पे रहे हम लोग, और उस दिन जहाँ पे हम लोग खाया था ये रहा होटल, और ये रहा मोतिहारी, कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं नाश्ता। अभी हैं महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी, ठीक है। ये रहा एंट्री गेट 3, और उधर से भी है और उस पार्किंग साइड से है, और ये रहा पूरा फ्रंट व्यू गाइस, पूरा मतलब एंट्रेंस। तो चलेंगे आपको दिखाते हैं, चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं अंदर का भी पूरा कैसा है। तो चलिए चलते हैं। और ये रहा एंट्री गेट, यहाँ से अंदर जाने का। आज यहाँ पे सेमिनार शूट होगा। कुछ ये रहा यहाँ का व्यू, ये रहा एंट्रेंस गेट, चलिए अंदर चलते आपको दिखाते हैं। तो गाइस यार यही होगा सेमिनार, और यही है वो मंच जहाँ पे सेमिनार होगा, और ये रहा पूरा हॉल। आई थिंक ये 5000 सीटर है ना पूरा? नहीं, 2200 सीट्स हैं टोटल्स, और यहीं पे होगा सेमिनार, जो कि सर अभी सेटअप हो रहा है। सर अभी फोटो क्लिक करेंगे। और सर अपने बारे में कुछ बताइए। आई एम ए फोटोग्राफर, आई एम फ्रॉम गोरखपुर, बट आई लव फोटोग्राफी, सो आज ज़्यादा क्या। और उधर भी कुछ रहे हैं। तो गाइस यहीं पे शूट होगा, आपको दिखाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। 2200 लोग बैठ सकते हैं और 4-10 लोग डांस भी कर सकते हैं। ये है, और हमारे साथ आए हैं टोटल 6 कैमरामैन,
जो कि अभी इधर उधर हैं और कुछ लोग वहाँ पे भी हैं, वो रहे रूपम जी। क्या कह रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, तो ये रहा पूरा। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं बाहर, पूरा मतलब जो भी इक्विपमेंट हमारे साथ है लेके आते हैं और यहाँ पे सेटअप करते हैं, उसके बाद को दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्योंकि यहाँ रहने का भी फ़ायदा नहीं है। और सेमिनार स्टार्ट होगा 11 बजे से, आई थिंक सर 11 बजे स्टार्ट होगा ना, वही 10:30 या 11 बजे स्टार्ट होगा। तो चलिए आपको दिखाएंगे। तो गाइस हम चल रहे हैं सेटअप पे और ये पूरी टीम। चलिए सर अंदर चलिए, चलिए अंदर से सेटअप करते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे हो रहा सेटअप और यहाँ से पूरा इसका मतलब व्यू कैप्चर किया जाएगा। सीढ़ी से जा रहे हैं ऊपर और भैया वहाँ पे चेक करेंगे वहाँ से। और पीछे यहाँ पे लग चुका है एक, और एक वहाँ पे, एक यहाँ पे, और यहाँ पे है पूरा सामान। क्या नहीं हो रहा है? फिर आप पूरा इक्विपमेंट वहाँ पे एक लग गया कैमरा, यहाँ पे है बाकी, यहाँ पे और यहाँ पे भी लग गया, और इसमें सब में कैमरे भरे हुए हैं, भर भर के कैमरे हैं। एक कैमरा इधर, और ये देखिए वॉकी टॉकी रहा, और ये वॉकी टॉकी रहा, वॉकी टॉकी मैन, वॉकी टॉकी। गाइस ये लग चुका है पूरा सेटअप। तो गाइस अभी जो ड्रोन फ्लाई हो रहा था वो अटक चुका है पेड़ पे, और ये रहा रिमोट, और जो ड्रोन है वो पेड़ पे अटका है। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं अभी। तो गाइस आपको हम दिखा रहे हैं पेड़ पे लटका 1.5 लाख रुपए, ये रहा ड्रोन का रिमोट, और कहाँ गया भाई ड्रोन, वो रहा ड्रोन देखो। देखो गाइस वो रहा ड्रोन, कहाँ गया भाई, देखो वो रहा ड्रोन, ये रहा ड्रोन देखो कितना ऊपर अटका है भाई, कम से कम 70 फीट से कम नहीं होगा। तो भाई लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के पास भी ड्रोन है वो सावधानी पूर्वक उड़ाएं और जरूरत का शॉट निकालें, ये ना कि ज़्यादा हीरोगिरी ना दिखाएं, सेंसर पे ज़्यादा भरोसा ना करें, पेड़ ओड़ की डालियाँ होती हैं उसमें सेंसर आपका काम नहीं करता है, जिस वजह से आपका ड्रोन अगर कहीं मिसिंग हो गया चाहे कुछ भी हो गया तो आप तो समझ ही रहे हैं ना, ड्रोन तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपये का आता है। स्टार्टअप ही अच्छी क्वालिटी का ड्रोन लेंगे डीजीआई हो जाएगा तो कम से कम 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख के समथिंग का ही है, इसके नीचे कोई ड्रोन है नहीं। और हम लोग देखिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि अटक चुका है, अब हम सुबह से हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कोई मिले, और हम लोगों का सूट था, हम लोग गोरखपुर से आए हुए हैं और हमारे पास ड्राइवर थे दीपक शर्मा जो ऑपरेट कर रहे थे ड्रोन, उनको शॉट निकालने का इतना बड़ा था चिल मचा था, लटका दिए और वो तो सूट पे है, हम लोग यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कैसे उतारा जाए ड्रोन। और भैया सुबह से माथा पर्ची हो गया, 11 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे ऊपर रहा ड्रोन, समझ सकते हो कम से कम 60-70 फीट होगा ऊंचाई इसका, और उतना ऊपर है होगा, समथिंग तो होगा ही, होगा ना, हाँ होगा, हाँ होगा साला। पांच साल में मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये लोग 30 लाख नहीं रहेंगे, ये नेटवर्क 3 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है दोस्त। और पीछे देखिए आप एक चीज देखिए, आप लाइट चली गई पर सर रुके नहीं, बोलते रहे, यही जो आर्ट होती है राय यही होनी चाहिए, मतलब उनको भी लाइट गई चाहे।
तो गाइस हम लोग पैकअप करके यहाँ पे आ चुके हैं जायसवाल होटल पे। हम लोग जायसवाल ढाबा पे हांडी में खाकर, और ये भैया ये खाए, ये भैया पनीर चावल रोटी खाए, हम तो बकरा खाए हैं। ये रे पूरी टीम जो कि अब घर जाएगी, घर जाएगी हम लोग की अभी रात। तो भाई सर हम अभी जायसवाल होटल पर से खाना वगैरह खा के निकल रहे घर की तरफ, ठीक है। अभी घर के लिए हम लोग निकलेंगे, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है, आगे आप लोग को और दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं है रात। ठीक है, नाइट का सीन है तो ज्यादा कुछ दिखा तो नहीं पाएंगे, बस नाइट व्यू दिखा सकते हैं भाई, बस और कुछ नहीं। और ये रहा जायसवाल होटल जो कि मोतिहारी में पड़ता है और बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे साइड में अगर वो देख लीजिए कहीं नहीं, लेकिन भाई मैं बता देना मैं शाकाहारी में शाकाहारी खाता हूँ वहाँ पे। बाकी ये रहे जो कि नॉनवेज वाले हैं, सब परसों नॉनवेज वाले दो लोग हैं। तो चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं गोरखपुर, और यहाँ पे हो रहा है क्या हो रहा है सर? हेलो सर, और यहाँ पे रूपम सर डाटा कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ पे गंगेश जी दबा के सोए हैं आज। हाय गाइस, बाय गाइस, चलिए गाइस बाय। तो गाइस नीरज भैया का फोन छूट गया था, ये देखिए रेडमी का, और आ रहे हैं। मैंने याद दिलाया। तो गाइस हम भी निकलते घर के लिए, काफी लंबा ब्लॉग हो चुका है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ब्लॉग पसंद आया हो, ठीक है, मिलते हैं किसी और ब्लॉग पे। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।